हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं ट्रांजिशनल क्रेडिट के बारे में, जिसके बारे में लगातार डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ट्रांजिशनल क्रेडिट को कैसे अवेल करें, क्या हमें GSTR 3B में टोटल टैक्स को जमा करना होगा, क्या हम उसमें क्रेडिट यूटिलाइज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन सब के बीच में ट्विटर अकाउंट पर लगातार डिपार्टमेंट रिप्लाई कर रहा है कि क्रेडिट अवेलेबल होगा, लेकिन मॉडलिटीज़ अभी अपडेट की जा रही हैं। तो इसके संबंध में एक लेटेस्ट सर्कुलर डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किया है, जिसमें क्लियर किया है कि आप कैसे ट्रांजिशनल फॉर्म के थ्रू या डायरेक्टली GSTR 3B में कैसे अपना क्रेडिट ट्रांजिशनल का ले पाएंगे। तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो लोग ट्रांजिशनल क्रेडिट को अभी GSTR 3 में अवेल नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं है, यानी उन्हें 20 अगस्त 2017 तक ही अपनी GSTR 3B फाइल करनी होगी और अपने टैक्सेस भी इस GSTR 3B से पहले जमा करने होंगे। लेकिन जो लोग अपना ट्रांजिशनल क्रेडिट यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड में रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा टफ़ भी हो गया है। उन लोगों को अपनी GSTR 3B और TRAN 1 28 अगस्त 2017 तक फाइल करना होगा, यानी 8 दिन का टाइम दिया जा रहा है। इस बीच में आपको अपना TRAN 1 फॉर्म फाइल करना होगा और 3B भी आपको फाइल करना होगा, और आप अपना जो एस्टिमेटेड क्रेडिट है ट्रांजिशनल पीरियड का, उस क्रेडिट को 3B में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसको लेकिन आपको 20 अगस्त तक ही इस टैक्स को जमा करना पड़ेगा, यानी आपको टैक्स पहले ही जमा करना है 20 अगस्त तक। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजिशनल क्रेडिट जो बैलेंस है वो आप उसको 3B के थ्रू पे कर सकते हैं। तो आपको एडजस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं 20 अगस्त तक, लेकिन आपको TRAN 1 और GSTR 3B आपको 28 अगस्त तक फाइल करनी है। और जब आप 28 अगस्त तक फाइनल फाइल करेंगे इन दोनों फॉर्म को, अगर कोई ड्यूटी शॉर्टफॉल रहता है, यानी आपने जो 20 अगस्त को पेमेंट किया उसमें और 28 अगस्त को जो फाइनल आपने फॉर्म सबमिट किया, कोई ड्यूटी फॉल उसमें शॉर्टफॉल रह जाता है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट 18% का पे करना होगा, और वो इंटरेस्ट 21 अगस्त 2017 से टिल जो आपने एक्चुअल पेमेंट की है उस डेट तक का चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड थोड़ा छोटा कर दिया गया है, लेकिन जो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, ट्रांजिशनल क्रेडिट काफ़ी सारा अवेलेबल है, वो लोग इसको अवेल कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो TRAN 1 फॉर्म है वो 21 अगस्त से GSTN पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा, तो लोग उसको चेक कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स उन्हें फिल कर सकते हैं और अपना क्रेडिट जल्द से जल्द ले सकते हैं। तो अब सारी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कैसे क्रेडिट ले पाएंगे, उसके ऊपर उन्हें सर्कुलर देके डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ये कंडीशंस हैं जो आपको माननी होंगी, अदरवाइज़ आपको वो क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो अर्लियर जो टाइम पीरियड था वो 90 डेज़ का टाइम पीरियड दिया गया था, जो कि 28 सितंबर को ख़त्म होता, लेकिन जिन लोगों को बिफ़ोर ट्रांजिशनल पीरियड, यानी जिन लोगों को बिफ़ोर TRAN 1 आपको क्रेडिट अवेल करने के लिए बात कर रहे थे, उनके लिए टाइम पीरियड को छोटा किया गया है, यानी 28 अगस्त तक का ही टाइम पीरियड दिया गया है GSTR 3B और TRAN 1 फिल करने के लिए। तो थोड़ा सा हेक्टिक कंडीशन हो गई है, टाइट कंडीशन हो गई है जो लोग क्रेडिट यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो इस सर्कुलर को देखकर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से ऑप्शन में जाना है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु के साथ। धन्यवाद।